ऑर्गेनाइजर्स के लिए भी कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस किस को स्टेज पे बिठाएं और उसके बाद उसको कैसे डेजिग्नेट करें, तो हर एक के नाम के आगे कुछ लिखा जाना चाहिए, कोई नाराज ना हो जाए भाई मेरी इम्पोर्टेंस कम है। तो मुझे इस तरह की ऑडियंस में और इस तरह के लोग जो ऑन द डायस हैं, बहराम जी या केलकर जी और उसके बाद दीपक जी एंड माय कलीग्स फ्रॉम जम्मू डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म महाराष्ट्र, तो उसके बाद इतनी सारी प्रोफेशनल टास्क और उसके बाद स्पीकर और कीनोट स्पीकर का मुझे डिफरेंस समझ में नहीं आता है। बट स्टिल टूरिज्म इज माय पैशन और ये जो प्रोफेशनल बातें बड़ी सारी हो गई हैं, मिसेस खजूरिया ने बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, कोतवाल साहब ने भी ओरिएंटेशन जो जम्मू कश्मीर की स्पेशली ये जम्मू स्पेसिफिक आज बातें हो रही हैं, जम्मू प्रोविंस स्पेसिफिक वो भी दिया है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर क्लोज टू हार्ट। जो पता है कि ये प्रोग्राम भी कोई आधा घंटा लेट से चल रहा है और सबकी एपेटाइट भी अभी जो आप दे रही होगी, बट 5-10 मिनट में और तंग कर लूंगा आप सब लोगों को, दोस्तों को, बहुतों को मैं नहीं भी जानता, बहुतों को जानता भी हूं। और केलकर जी से बात शुरू करता हूं कि केलकर जी, हमारी आपकी जो दोस्ती थी वो कश्मीर, जम्मू और पूना की थी, आपने सारे की सारी अटेंशन ही लक्षद्वीप पे शिफ्ट कर दी, तो ये काम चलेगा नहीं, हमें जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अच्छा, तो इस करके आप इसको जम्मू कश्मीर की तरफ लेकर के चले, तो लक्षद्वीप जो है वो बीच में बाईपोडक्ट आया था, तो वहां हमने जितना काम करना था कर दिया, उनके स्पोर्ट्स से कॉर्पोरेशन बना दी, अब चले गए, हम वापस आ गए अपने घर, बैक टू होम। तो इनफैक्ट इस तरह के स्टारवर्ड्स के साथ आई वुड प्रेफर बीइंग इन ऑडियंस बिकॉज आई वुड हैव लर्न्ड मोर। Still, there are certain things which always come to my mind whenever I represent J&K at any forum, anywhere in India. एक emotional सा connect है, और जिस ढंग से Mrs. खजूरिया ने जम्मू के, कश्मीर के तकरीबन हर region को religion के साथ, culture के साथ connect किया है, मैं थोड़ा सा I just want to revisit The origin and history। हम सब लोगों के घरों में कभी जब भी मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं पूजा पाठ होता है तो वो पंडित जी सबसे पहले शुरू करते हैं जम्बूदीप पे भारत खंडे और फिर आगे कुछ श्लोक बोलते हैं और फिर उसके बाद हमें पूछते हैं गोत्र कौन सा है और हम लोग अपना अपना गोत्र बताते हैं फिर वो पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। तो जिसको क्राउन ऑफ इंडिया कहते हैं वो भारत खंडे का हिमालय में जो लोकेशन स्थित है वो जम्मू कश्मीर, और जो गोत्र हम पंडित जी को बताते हैं कि अब मेरी पूजा सक्सेसफुल हो और मेरे पूर्वजों तक सारी बातचीत चले जाए वो सप्तऋषियों से शुरू होते हैं। सप्तऋषि जिनको हम कहते हैं कि क्रिएटर्स ऑफ दिस यूनिवर्स, और उसी के साथ जुड़ते हुए महर्षि कश्यप की बात आती है जो पौराणिक वर्सेस में है। इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ फैक्ट, क्योंकि हमारे पुराणों में भी है, राजतरंगी ने उसको एंडोर्स किया है कि महर्षि कश्यप ने कश्मीर का सृजन किया और उसका नाम जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें था, किसी ने उसको कश्यप मेरु लिखा, किसी ने उसको कश्यप मीर लिखा, कश्यप मेरु मीन्स कश्यप जी ने जो पर्वत बना दिया, किसी ने कश्यप मीर लिखा कि कश्यप ऋषि ने जो एक जलागार बना दिया जो पानी यहां पे आ गया जिससे लेक बन गई, बट इन एनी केस महर्षि कश्यप ने जम्मू कश्मीर का सृजन किया जो कि एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स है, अलग अलग पुराणों में मिलता है, अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। और महर्षि कश्यप की जो लाइनेज आगे चलती चली गई, उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स वो आगे चल के इक्ष्वाकु वंश पे पहुंचे और इक्ष्वाकु की 54th जनरेशन थी, वो भगवान राम थे, रघुकुल रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो हम वहां से आते हैं जो भगवान राम के पूर्वजों की धरती है।
हम वहां से आते हैं जो भगवान राम के पूर्वजों की धरती, और इस आज के समय में जब इंसान की आयु 100 साल या 90 साल 75 साल इस तरह की एवरेजेस पे आ गई है, पुराने जमाने में लोगों की आयु भी ज्यादा थी लेकिन कालखंड तो बहुत लंबे थे, सतयुग द्वापर त्रेता अलग अलग युग, त्रेता युग में भगवान राम हुए, उसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण हुए। तो ब्रह्मांड की जो हिस्ट्री है जिसमें हम सब तो मॉर्टल्स हैं, कुछ लोग इमॉर्टल भी हुए, लेकिन मॉर्टल्स में अभी तक जो हमारे ग्रंथों में आता है केवल एक ही शख्सियत ऐसी थी जो त्रेता में भी थी और द्वापर में भी थी, भगवान राम के समय भी थी और भगवान कृष्ण के समय भी थी, जिसने भगवान कृष्ण के भी दर्शन किए, जिसने भगवान राम के भी दर्शन किए, वो शख्सियत और उसको भगवान कृष्ण के दर्शन वो भी जम्मू की धरती पर हुए हैं, जामवंत जी। जामवंत जी भगवान राम के साथ थे श्रीलंका के साथ युद्ध में। ऐसा कहा जाता है कि जब वो युद्ध खत्म हुआ तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मुझे तो थकावट ही नहीं हुई, मुझे तो अपनी वीरता दिखाने का मौका ही नहीं मिला, तो मैं क्या करूं। भगवान राम ने उसको कहा कि आप वेट करो, आपको इंतजार करना है। और फिर दैट स्टोरी गोज लॉन्ग कि वो जामवंत जी जम्मू में आकर के पीरखो नाम की एक स्थान है वहां पर एक गुफा में तपस्या करने लगे, द्वापर में भगवान कृष्ण वहां पर आए, एक संयोग बना, उस संयोग के तहत भगवान कृष्ण ने उनको थकावट करवाई एक महीना उनके साथ युद्ध करके, और फिर उनका जो बैकुंठ धाम जाना था वो सुनिश्चित हो सका। तो एकमात्र शख्सियत जो त्रेता में भी थी द्वापर में भी थी, दो युग, वो भी जम्मू की धरती पर उन्होंने निवास किया। तो ऐसी पवित्र धरती, लेकिन कुछ सालों का ऐसा कालखंड जिसने उसको थोड़ा दाग लगाया, आज वो दाग धुल चुका है। लेकिन इस एलीट ऑडियंस को मैं सबसे पहले ये मुबारक देता हूं कि आप लोग हम लोग दोनों ही, मैं अपने आप को टूरिज्म स्टेक होल्डर या ट्रैवल एजेंट फ्रेटर्निटी नहीं कहता, मैं कहता हूं कि ऑल ऑफ अस आर गुडविल एम्बेसडर्स। हम वो हैं जो हमेशा ब्राइटर साइड देखते हैं, ब्राइटर साइड लोगों को दिखाते हैं। हमारा बस चले हम सीरिया में भी ले जाएंगे टूरिस्ट को कि भाई ये लाइन है, ये मोहल्ला है, ये सेक्टर है, इसके आगे जो है वो बम्बार्डमेंट चल रही है, तो 10 फुट पहले तक ठीक है, वहां नहीं गिरता बम, इधर से रास्ता बना हुआ है, हमारा बस चलेगा हम ले जाएंगे। हमारा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव, एंड सेम थिंग हैपेंस इन कश्मीर। और हमारा जो उसके बाद आगे स्टेट ऑफ माइंड है, और उसके बाद जो हमारे पास टूरिस्ट भी आता है, जो विजिटर आता है, उसका भी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। मैंने पिछले 30 सालों में, आई एम 54 नाउ, और मैं बचपन से ही, मैं इंडस्ट्रियस फैमिली से आता हूं, और मैंने वो फादर को बोला मुझे आपका ये काम नहीं करना, क्योंकि ये 15-15 डिपार्टमेंट सिर के ऊपर चढ़े रहते हैं, कोई पोल्यूशन वाला आता है, कभी कोई वेट्स एंड मेजर्स वाला आता है, मुझे नहीं ये करना काम, ये सर्विस इंडस्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो ही सेड ओके गो अहेड, अब मैं अकेला अकेला बैठा हूं, बाप ने नाराज नहीं किया। तो मैंने वो 10 रुपए का वीडियो कोच की जो कमीशन मिलती थी, जम्मू से श्रीनगर बस चलती थी, तो मैं कॉलेज पढ़ता था, वो 35 टिकटें ही भेज देता था, 10-350 रुपए आ जाता था, तो ठीक है, तो काम बन गया। तो उसको चलाते चलाते हमने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, तो काम बन गया, तो काम तो बना। लेकिन असल जो बात है, उस दौरान जो जितने लोगों के संपर्क में हम आए, बहुत सारे ऐसे भी लोग आए हु यूज्ड टू एग्जेजरेट, इनफैक्ट मैं एग्जेजरेट ही कहूंगा कि वो एक दुस्साहस नहीं, दुस्साहस है कि वहां पे बम फटा तो मैं सबसे पहले वहां पे पहुंचा हूं। आई केम अक्रॉस ए ग्रुप इन 2007, लेह में जलजला आ गया, और वो शाम को यहां से बॉम्बे से आपके महाराष्ट्र से चार्टर फ्लाइट लेके तो ले चले, इट इज रिकॉर्डेड फैक्ट कि 10 बजे के आसपास सवेरे सवेरे 6 बजे 6:30 बजे वहां पे जलजला आया, सारे एयरपोर्ट और सारी जगह पे वो आ गया
जिसको कहते हैं मिट्टी और गारा, आर्मी ने उसको क्लियर कर दिया अराउंड 4:30 फर्स्ट फ्लाइट लैंडेड इन ले, दिस इज इन 2007 एंड दैट फ्लाइट वॉज नो रेस्क्यू फ्लाइट, इट वॉज टूरिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं जानता था हम सबसे पहले पहुंचे थी। तो इस करके ये साहस दुस्साहस मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये क्यूरियोसिटी है, लेकिन मुझे अफसोस है। आपने मेरे जेएनके को क्यूरियस होने के बावजूद उसमें पेनिट्रेट ही नहीं किया, आपने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। आपने कहा माता वैष्णो देवी जय माता दी, उसके बाद आप जाए श्रीनगर उतरे, गुलमर्ग पहलगाम खत्म हुई बात, चलो जी घर। चौथे दिन आप यही करते रहे, 3 नाइट्स 4 डेज 4 नाइट 5 डेज, तो उससे मेरा काम चलता नहीं। मैं उससे ज्यादा करता था जब छोटा था, तो मुझे जब हम लोग गर्मियों में कश्मीर में रहते थे तो कई जगह जाते थे, 10-10 दिन के उस वक्त सर्किट थे, वेरीनाग भी जाना है, यूसमर्ग जाना है, अराउंड द वुलर जाना है, एशिया की सबसे बड़ी लेक, किताब में भी पढ़ते थे कि फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी, अभी आप लेके नहीं जाते, आपने इंजीनियरिंग में नहीं डाला उसको, आपने उसको छोड़ दिया टेररिस्ट के लिए, ये इनका हवन, क्यों हमारा इट इज आर्स। बांदीपुर नहीं जाएंगे, और बांदीपुर में गुल्लर छोड़ी, गुल्लर के साथ साथ आपने वहां एक छोटा अमरनाथ है वो भी छोड़ दिए। आप भोले शंकर के पास जाते हो, उनकी शादी की जगह सुदमा देव है वहां भी जाते हो, बूढ़ा अमरनाथ है वहां पे पुंछ में वहां भी जाते हो, अमरनाथ जी के पास भी जाते हो वहां पे अनंतनाग में, लेकिन जहां पे वो बाल रूप में है छोटे बांदीपुर में वहां नहीं जाते, उसका नाम ही नहीं लेते, ना गुल्लर के पास जाते हो। तो बड़ी सारी चीजें हमने छोड़ दी सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कि 3 नाइट 4 डेज बिकता है, इसी को बेचते हैं। हम जरा सा भी बाहर नहीं जाते, ये बड़ा अच्छा इटिनरी बनी हुई है, कमीशन आ रही है आगे, या मेरे होटल सेट हो गए हैं तो चलो जी आगे चलते हैं। तो डेस्टिनेशन हमारी स्पीच होती चली गई, जिसको डेवलप होना था वो डेवलप नहीं हुआ। और अगर जम्मू में 1 करोड़ के आसपास माता वैष्णो देवी के लोग जा रहे हैं, एक रेडी मार्केट है, उनको सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए हमने डायवर्ट करना है आसपास कहीं 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, हम उस तरफ नहीं गए, जस्ट दैट वाज जस्ट ईज ऑफ डूइंग आवर बिजनेस, हम उसी में खुश हो गए और उस वॉल्यूम से भी खुश हो गए। वेयर एज वो वॉल्यूम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर हम उस वॉल्यूम को एक्सप्लोर करेंगे, वी आर हैविंग 20 डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो हमने 3 जगहों के नाम लिए, ये समझ लें 3 तहसील हेडक्वार्टर मैं गिनता हूं, तो मेरे पास 350 से ज्यादा तहसीलें हैं जेएनके में, और मैं गारंटीड कह सकता हूं कि मेरे 350 की 350 तहसीलें जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इवन इन अ सिटी लाइक जम्मू, मेरे पास वहां पहाड़ भी है, पानी भी है, दोनों चीजें हैं, और बॉर्डर भी है, और बॉर्डर सिर्फ एक इतना सारा बॉर्डर नहीं है, मेरे पास मल्टीपल किस्म का बॉर्डर है। एक बॉर्डर है जिसको इंटरनेशनल बाउंड्री कहते हैं, एक बॉर्डर है जहां हमने झगड़ा डाला हुआ है, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है पाकिस्तान के साथ, एक बॉर्डर है चाइना के साथ, LAC जिसको हम बोलते हैं। तो हम बॉर्डर का ही अगर टूर बना लें तो वो ही नहीं खत्म होता, और हमें तो सब रीजन स्पेसिफिक टूर्स बनाने पड़ते हैं वहां पे, रीजन स्पेसिफिक भी नहीं, सब रीजन स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, और इस तरह की चीजें हम चलते हैं। लेकिन अब हर एक चीज किसी भी आदमी के लिए एक बारी में जाके सारा देख के आना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हमने तो उसको वैरायटी परोसनी है ना जी, हमने उसको अगली बार एक नई इटिनरी देनी है, तो उस नई इटिनरी देने के लिए थोड़ा बहुत एक्सप्लोर हमें भी करना पड़ेगा, और वो नई एक्सप्लोरेशन जब हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, जेएनके आपका टारगेट है, जेएनके और यहां पे आपकी ऑडियंस है, उस टारगेट में ऑडियंस को लेकर जाने के लिए आप उसको नई नई चीजें परोसेंगे। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करने आया हूं, एक तो दूसरी बात, हम तो भगवान राम के पुरुषों की धरती से आते हैं और फिर भी आके आपको हाथ जोड़ते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा वहां पे आना है, लेकिन आपके साथ भी हमारी बड़ी सारी समानता है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हमारी समानताएं नहीं। जिस वक्त इधर फारस की खाड़ी से वॉयेजर्स और समुद्री जहाज आने शुरू हुए यहां पे व्यापार करने के लिए वेस्टर्न कोस्ट में,
उस सिमिलर टाइम पे नेशनल कैपिटल समझ लें जम्मू कश्मीर थी, ललिता देते का राज था और हम सिल्क रूट से व्यापार कर रहे थे, वी आर लैंडलॉक्ड। तो सिल्क रूट से हम व्यापार कर रहे थे, आप यहां समुद्र से व्यापार करना शुरू कर दिया आपने वेस्टर्न कोस्ट पे। सर आगे चलते चले गए, जब मराठों ने आकर के दिल्ली कॉन्कर किया उस वक्त डोगरों ने जाकर के तिब्बत कॉन्कर किया, कैलाश मानसरोवर हमारे पास था और हमारे जो सारी फैमिलीज हैं घरों के पुराने जो पेपर हैं उसके ऊपर जो कोर्ट पेपर लिखे हैं ना जी, अस्टाम जिसको बोलते हैं, अब यहां पे रेवेन्यू पेपर्स को पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके ऊपर जो लैंग्वेज लिखी है ना पुरानी, जिनके घर पुराने हैं 47 से पहले के हैं, उस पे महाराजा के नाम के स्टाम्प है, तो उसके उस पे लिखा होता है इंदर महेंद्र महाराजा धीराज, आगे उसका लंबा चौड़ा नाम और उसके लास्ट में लिखता है जम्मू कश्मीर लद्दाख तिब्बत गिलगित बाल्टिस्तान इत्यादि और उसके आगे उसका नरेश, द किंग ऑफ ऑल दीज रीजन विवर्त्य। आप दिल्ली कॉन्कर कर रहे थे उस वक्त, हमारी सिमिलैरिटीज है आपके साथ, एक नेचर की सिमिलैरिटीज है, मराठा भी वॉरियर है डोगरा भी वॉरियर, मराठों ने भी खून दिया हर जगह पे, डोगरों ने भी दिया। तो हमारा तो बाइलेटरल टूरिज्म ट्रेड बढ़ना ही चाहिए, जैसे आपने कहा कि हम वहां से आपको बुलाने आएंगे, हम कहते हैं ठीक है आइए कटे जाते हैं, हम तैयार हैं आने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम तैयार नहीं है, और आते भी हैं, हमारे इतने सारे लोग आपके पास काम कर रहे हैं पुणे में बॉम्बे में, और जम्मू कश्मीर की मुझे लगता है कि 1000 से ज्यादा, मैं अगर गिनती एक सेंसस बनेगा हो सकता है 1-2 लाख फैमिली हो जिसने यहाँ पे महाराष्ट्र को अपना सेकेंड होम बनाया हो, किसी ना किसी शहर में बच्चे पढ़ रहे हैं काम कर रहे हैं कोई नौकरी कर रहा है कुछ कर रहा है। एनीवे ये जो सारा मैंने आपको बात समझाई है या अपनी अपनी बात रखी है, समझा तो नहीं मैं सकता, मेरा ऐसा मानना है कि कंट्री की नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंट्रा रीजन टूरिज्म। हम एक दूसरे का कल्चर समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको रैलिश करते हैं, उसको रैलिश करते हैं तो एक दूसरे के साथ रिश्ते बसते हैं और उसके बाद ये जो झगड़े दंगा फसाद वाली चीजें हैं उसमें वो एलिमिनेट होती जाती है और हमें एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है। आज वही जम्मू कश्मीर है जहां पे आता था कि ये टेररिज्म है फलाना है ये इस तरह से करते हैं, आज वही जम्मू कश्मीर है जहां पे वो टेररिस्ट ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गए, अमन की विल है उसने कहा एलिमिनेट कर दो, वही जम्मू कश्मीर के लोग हैं आपके पास कोलाबा पुणे हर 5-स्टार होटल में कारपेट और बाकी चीजें बेच रहे हैं पीसफुली, किसी को कोई तकलीफ नहीं, और वही जम्मू कश्मीर है जो कि पहले एक डेस्टिनेशन थी टच एंड गो की, और वही जम्मू कश्मीर है आज जिसमें एक ऐसी टूरिज्म पॉलिसी आ गई है कि अब आप यहां से टूरिस्ट लेकर के किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होकर के उसको वापस लाने की बात नहीं, आप लाइए अपना दफ्तर वहां पे खोलिए, यहां से टूरिस्ट को लेकर के आइए, उसको रिपीटेडली वहां पे लाइए, उसको जम्मू कश्मीर एक्सप्लोर करवाइए 2-3 बार और उसके बाद उसको कहिए कि यहां पे जम्मू कश्मीर में अपना सेकेंड होम बना, लोनावाला खंडाला में तो तू पहले ही है, हमें आप सबके सेकेंड होम वहां पे चाहिए जम्मू कश्मीर में, और हम आपको हर डिस्ट्रिक्ट में वो देंगे, पहाड़ भी दे देंगे पानी भी दे देंगे जिस तरह की भी नेचर जिसकी है जिसको जो जरूरत, हम ये नहीं कहते हैं कि आप साल के बाद आए आप रहे 2 महीने वहां रहे तो सारा आपका ही है, अलग अलग क्यों रहना है, फ्लाइट सभी चल रही है सारा कुछ हो रहा है। तो पोस्ट 47 में एक बड़ी बात करना चाहता हूं, पुरानी तो मैंने कुछ सिमिलैरिटीज गिना दी, पोस्ट 47 में अभी आवाज तो आ रही ना, पोस्ट 47 भी क्या है, हमारा और आपका रिश्ता क्या है पोस्ट 47, आज तक भी मैं कहूं 2019 तक कहूं जब तक हम एक स्टेट थे और विद सम रेस्ट्रिक्टेड सिटीजनशिप सिस्टम्स, हमारा सारा बजट कहां से आता था, 2/3 ऑफ आवर बजट यूज टू कम फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया टैक्सपेयर, हमारे अपने रिसोर्सेज 1/3 एवरी ईयर। आज मेरा लास्ट बजट जो है इट वॉज अराउंड 80,000 करोड़, तो 2/3 कहां से आ रहा है, रेस्ट ऑफ इंडिया के टैक्सपेयर से, रेस्ट ऑफ इंडिया के टैक्सपेयर कौन है,
उसमें महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा हिस्सा है प्रोपोर्शनेटली. यू आर द फाइनेंशियल कैपिटल, यू आर द फाइनेंशियल कैपिटल. मैं तो रही हूं आपका. और वहां पे जो भी बना है, सड़कें बनी है, कोई डेवलपमेंट हुई है, कुछ हुआ है, वो किसके आपके पैसों से हुआ है. और आप सिर्फ गुलमर्ग पैगाम देख के वापस चले गए, आपने बाकी जगह देखा ही नहीं कि कुपवाड़ा में हमने क्या किया है. आप ऑडिट क्यों करवा के, यू आर नॉट डूइंग इट. तो ओनर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं. आपको तो जाना चाहिए ना डीप इनसाइड, वहां पे जाइए. क्यों नहीं आपको जाना, मुझे तो आपको लाना है. एंड आई वॉन्ट यू टू बी देयर इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ माई स्टेट. आई वॉन्ट यू टू पीप थ्रू. पीप थ्रू क्या, सीधा जाके चौड़ी छाती करके उस तरफ भी देखना कि कितनी कितनी जगह हमारी उधर रह गई है. हम तो गिलगित बाल्टिस्तान तक जाने वाले. यू रेडी? मैं लाना है सारा वापस. तो ये जो असल मुद्दे हैं, असल बातें हैं, मेरा एक इमोशनल सा कनेक्ट है सारी चीज के साथ. और मैं ये चाहता हूं कि हमारे सारे लोग, हमारे जो टूरिस्ट भी आप जिनको मोटिवेट करके वहां भेजते हैं, वो इन असल चीजों को देखें. ये टेक्निकल प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस होती रहती हैं, हम इंटरनेट पे भी चेक करते हैं, सारी जगह पे आता है, लेकिन असल क्या है, क्यों हमें जाना है और कहां कहां जाना है, और हमने वो रेगुलर जो स्पॉट्स है उनको छोड़ के आगे बढ़ना है, उसकी जरूरत भी क्यों है. एक तो ये. एंड फाइनली, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे पास एक, मैं चार पांच नाम पढ़ने लगा. एक अमित पाटिल हैं जलगांव से, ऋषिकेश झंडे वाले, ये कोल्हापुर से, सुनील काले, ये सोलापुर से हैं, भूषण रमेश राव सताई, उनकी सताई कास्ट होगी, नागपुर के पास एक जगह है कतोल, वहां के हैं, यश देशमुख, ये जलगांव से, पाटिल स्वर्गम, ये भी कोल्हापुर में. इस तरह से बड़े सारे नाम है मेरे पास. हो सकता है ऑडियंस में से किसी को पता हो कि इन सारे नामों में सिमिलैरिटी क्या है. आई एम सॉरी अगर नहीं पता है. ये सारे सिर्फ नवंबर और दिसंबर के महीने में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं और महाराष्ट्र से. एंड आई एम सॉरी, हम याद रखते हैं, हम ऋणी हैं आपके कि मराठा लाइट इन्फेंट्री से, सीआरपीएफ से, बीएसएफ से हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हुए कभी रजौरी में, कभी नौशहरा में, कभी गुरेज में, कभी बांदीपुर में आपके लोग गोलियां खा रहे हैं. हम फील कर सकते हैं जब वो तिरंगे में आता है ना, किसी के गांव में या कोल्हापुर में जाता है. और आप गुलमर्ग पहलगाम देके वापस ना आइए, आप उन जगहों पे जाइए जहां जहां पे ये शहीद हो रहे हैं. हमें आपको उन पॉइंट्स पे लेके जाना है जहां जहां ये शहीद हो रहे हैं आपके महाराष्ट्र के जवान. ऐसा नहीं है कि मेरा डोगरा उसमें पीछे है या लद्दाख स्काउट्स उसमें पीछे है, वो भी शाना बशाना लगे हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जम्मू कश्मीर को प्रेजेंट शेप में लाने के लिए, जहां आपकी फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है वहां इन जवानों के भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. और इनको, इनके परिवारों को मैं सैल्यूट करता हूं आज इस ऑडियंस के सामने, बिकॉज यू आर द वंस हु आर गोइंग टू स्प्रेड द ओपिनियन, हु आर गोइंग टू मेक द ओपिनियन, हु आर going to ultimately make people visit Jammu and Kashmir for multiple reasons. और मैं आपसे यह कहूंगा कि other than layer, आप ये reason भी जम्मू कश्मीर आने के लिए रखिए कि आपके local जवान महाराष्ट्रियंस मराठे वहां पर हमारे लिए शहादतें दे रहे हैं और उनकी शहादतों की जगह को भी आपने देखने के लिए जाना है, उनको श्रद्धांजलि देने भी जाना है वहां पे, ताकि जो उन्होंने प्रोटेक्ट किया है वो आपकी नजरों में रहे. फाइनली एक बार मैं ये फिर कहूंगा कि आज जम्मू कश्मीर एक
नए जिसको कहते हैं मुहाने पे खड़ा। मैं पिछली सरकारों में जेएनके गवर्नमेंट से बार बार आग्रह करता था जल्दी से टूरिज्म पॉलिसी लाए, क्योंकि हम हमारी इकोनॉमी का बेहतर हिस्सा जो है वो टूरिज्म से आता है। आई अटेंडेड मल्टीपल मीटिंग्स विद रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, तीन चार चार बार तो मैंने ड्राफ्ट टूरिज्म पॉलिसीज बना के खुद दी, बड़ी सारी डिस्कशन में भी मिल गया। बट नाउ द टाइम हैज कम दैट टूरिज्म इन जेएनके हैज फाइनली बीन डिक्लेयर्ड एज इंडस्ट्री, एज सर्विस इंडस्ट्री, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री को ये एट पार लेके पिछले तीन चार दिन पहले एक पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है। आप लोग भी अगर अपने टूरिज्म यूनिट्स भी वहां पे लेके जाते हैं, अपने ब्रांच ऑफिस वहां पे लेके जाते हैं, अल्टीमेटली टूरिस्ट लाने के लिए अगर खुद भी अपने रिजॉर्ट्स वहां पे खोलना चाहते हैं, वेलनेस सेंटर्स खोलना चाहते हैं, कोई भी टूरिज्म यूनिट्स खोलना चाहते हैं, यू आर गोइंग टू बी ट्रीटेड एज एट पार एज समबडी बॉर्न इन जेएनके। तो इट इज वो जो साइकोलॉजिकल बैरियर था वो खत्म हो चुका है। उस बैरियर के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर को फुली इंटेग्रेट करने के लिए साइकोलॉजिकली अपने साथ, महाराष्ट्र के साथ, रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, आप सबका जम्मू कश्मीर के 20 के 20 जिलों में जम्मू कश्मीर टूरिज्म के जितने सारे वर्टिकल्स हैं, चाहे वो हेरिटेज है, चाहे बॉर्डर है, चाहे रिलीजियस है, चाहे लेयर है, चाहे वाटर स्पोर्ट्स है, और चाहे फिल्म है, फिल्म टूरिज्म के लिए स्पेशल पॉलिसी, उस सब के लिए आपको वहां पे आना है। और इस आग्रह के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जम्मू कश्मीर।